हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे क्रिकेट्स में। आज IBPS का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया पेपर देने में। मुझे देखिए, यहाँ पे IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो था, एनालिसिस जो है ना 2018 का 9 दिसंबर का। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना पेपर का क्वेश्चन किस टाइप का था, और जो है ना इजी टू मॉडरेट था या किस टाइप का क्वेश्चन था, जो मतलब मेरे द्वारा जो बच्चे बताए हैं उन्होंने बच्चों ने बताया है, जब मैंने रिसर्च करने गया था वहाँ पे एग्जाम सेंटर में, तो वहाँ पे कुछ बच्चे बोले थे कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे और इस टाइप के पेपर बने थे और लेवल इजी टू मॉडरेट था। मैं बताऊँगा आपको, पूरा वीडियो देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा ये IBPS क्लर्क का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से देखिए इज टू मॉडरेट था पेपर आज का। देखिए टॉपिक बता रहा हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 प्रश्न बने थे, रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 प्रश्न बने थे, सिंप्लीफिकेशन से 10 प्रश्न बने थे, और एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो है ना प्रॉफिट लॉस जिसमें प्रॉब्लम्स आते हैं और एज्स आते हैं, SI यूनिट आती हैं, और CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है होते हैं ना एक्सेट्रा, ये सारे सारे एरिथमेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसमें के इसमें जितने भी क्वेश्चन थे इसमें के टोटल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो देखिए मैं पेपर का लेवल बता देता हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, रॉन्ग नंबर सीरीज का इजी था, और सिंप्लीफिकेशन का इजी था, और एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मॉडरेट था, ये बच्चों द्वारा हमें बताया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पहला टॉपिक जो है जितना भी है ना ये बैंक का एग्जाम का पहला टॉपिक यही है, तो इसको इतने इतने क्वेश्चन हैं जिसके टोटल मार्क्स हैं 35 मार्क्स, और ये पेपर था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इंग्लिश पेपर में देखिए, इंग्लिश पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था इजी टू मॉडरेट इसका भी था, टॉपिक जो था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थे, ठीक है ना, मिस स्पेल्ड वर्ड थे, डिटेक्शंस थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, पैराजिम्बल्स थे, और मैच द फॉलोइंग सेंटेंस जो सेंटेंस जो कम्प्लीशंस होते हैं वो क्वेश्चंस थे। तो रीडिंग जो कॉम्प्रहेंशन थे उसके 6 प्रश्न बने थे, मिस स्पेल्ड वर्ड के 5 प्रश्न और एरर डिटेक्शंस के 4 प्रश्न, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 प्रश्न, और पैराजिम्बल्स के 5 प्रश्न, और मैच द फॉलोइंग के 5 प्रश्न। तो लेवल देखिए इसका भी, देखिए मैं ऊपर वाले के लेवल मैंने बताया इजी टू मॉडरेट, इसका भी देखिए इजी टू मॉडरेट ही बताया गया है। तो मॉडरेट देखिए रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन का देखिए मॉडरेट बताया जा रहा था, मिस स्पेल्ड वर्ड का इजी बता रहा था, एरर डिटेक्शन जो सिंपल जो एरर डिटेक्शन होते हैं छोटी छोटी जगह में उसका एरर डिटेक्शन बहुत इजी था बच्चों ने बताया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मॉडरेट था, पैराजिम्बल्स का भी मॉडरेट था, मैच द फॉलोइंग में देखिए सेंटेंस जो कंप्लीशन थे उसके भी पेपर ईजी थे। तो ये टोटल 30 जो प्रश्न थे, ठीक है ना, इंग्लिश क्वेश्चन के, इंग्लिश के लैंग्वेज के, तो इतने टोटल थे जिनको बच्चों ने बताया इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना। तो चलिए हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग का पेपर भी मतलब आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, जिसमें 3 सेट्स ऑफ पजल्स थे, सेटिंग अरेंजमेंट था, और जो देखिए क्या था लिखा है, 3 सेट्स ऑफ पजल्स आर सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोइंग आर द टाइप्स, क्या क्या टाइप थे सीटिंग अरेंजमेंट के, तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी, फ्लावर बेस्ड सीटिंग पजल्स थी, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट थी, एंड पैरेलल लाइंस में, ठीक है ना। टॉपिक क्या था, टॉपिक ये है, देखिए टॉपिक जो कवर हुआ है वो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट थे, सिलोलिज्म्स के मतलब सिलॉक्स थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग थे, नंबर सीरीज थे, अल्फाबेट्स थे, एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग थी, ये टोटल थे आज के रीजनिंग के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए क्या है, तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चंस थे, टोटल सिलोलॉक्स के थे 5 प्रश्न बने थे, कोडिंग डिकोडिंग से 5 प्रश्न बने थे, नंबर सीरीज से 5 प्रश्न बने थे, और अल्फाबेट से 1 प्रश्न था, और ऑर्डर एंड रैंकिंग के 4 प्रश्न थे, सिंपल पजल थे जो मतलब इधर का इधर करना है मतलब सिंपल, और सिलोलिज्म का आपको पता होगा कि सिलोलिज्म में ईजी प्रश्न पूछते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पेपर थोड़ा टफ था, यहाँ पे देखिए मॉडरेट पेपर बनाया है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का, सिलोलिज्म का इजी टू मॉडरेट बना था, कोडिंग डिकोडिंग का मॉडरेट था, और नंबर सीरीज का भी इजी टू मॉडरेट था, और अल्फाबेट्स के इजी टू मॉडरेट थे, और ऑर्डर रैंकिंग के मॉडरेट थे, टोटल 35 जो प्रश्न बने थे वो इजी टू मॉडरेट ही थे, ठीक है ना। और जो सेकंड शिफ्ट का देखिए, सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग एबिलिटी थी, रीजनिंग एबिलिटी में इजी टू मॉडरेट लेवल था, फोर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स थे, जो इंग्लिश जिसमें इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट लेवल था, जिसमें पहला जो टॉपिक है 1 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना था रिलेटेड था वो सोशल मीडिया से, जो जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 1 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 7 क्वेश्चन बने थे, जहाँ पे 2 प्रश्न बने थे वोकैब से थे, ठीक है ना, और वो पैसेज जो है ना वो बेस्ड होता था आर्टिकल से रिलेटेड था, जो पैसेज पूछा गया था वो आर्टिकल से रिलेटेड था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए सेकंड शिफ्ट के देखिए, तो 2 नंबर में आएगा आपका पैराजम्बल से और सेंटेंस अरेंजमेंट 5 प्रश्न बने थे, सेटिंग सेंटेंस कंप्लीशन से 5 क्वेश्चंस बने थे, वो मैच द फॉलोइंग का फॉर्मेट था, बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है, मैच द फॉलोइंग का सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, ठीक है ना, सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, जिससे सेंटेंस अगर मतलब मिस वर्ड हुआ वहाँ पे मतलब कहीं मिसिंग वर्ड हो दे रखी है कोई भी सेंटेंस की, उसे कंप्लीशन नहीं है, मतलब उसको सब कंप्लीट करना है बस,
ठीक है ना। क्वांटिटी देखिए जो सेकंड शिफ्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से देखिए जो बता रहा हूँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतने से इजी टू मॉडरेट थी और गुड अटेम्प्ट आपका होना हो सकता था 23 से 26 और ऑप्टिमल टाइम से आपको पता है 20 मिनट मिलता है ठीक है ना। तीनों शिफ्टों में 20 20 20 मिनट मिलते हैं तो टोटल मिला कितने हो गए आपके 1 आवर मिलते हैं ठीक है। 1 आवर मिलता है आपका टोटल पेपर में, तो 3 पेपर है आपका ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए नंबर ऑफ नेम ऑफ टॉपिक्स का देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 प्रश्न बने थे, मिसिंग नंबर सीरीज से 5 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 10 प्रश्न बने थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 प्रश्न बने थे, मिसलेनियस से एरिथमेटिक प्रॉब्लम से 10 प्रश्न बने थे जिसे मिसलेनियस में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एज से प्रश्न बना था, टाइम एंड वर्क से प्रश्न बना था, मिक्सचर से एक मिक्सचर और एलिगेशन का एक प्रश्न बना था, बोट और स्ट्रीम से भी एक प्रश्न बना था। तो ये देखिए मिसलेनियस एरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम है उसमें 10 टोटल पेपर आए थे और पेपर का जो लेवल है देखिए यहाँ पर देखिए इजी टू मॉडरेट डाटा इंटरप्रिटेशन का बताया गया और मिसिंग नंबर सीरीज में इजी था वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो इजी बताया गया, सिंप्लीफिकेशन का भी इजी बताया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी इजी बताया गया और मिसलेनियस एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का भी मॉडरेट बताया गया। और रीजनिंग का बात करें तो देखिए रीजनिंग में जो है ना 25 से 29 बताया जा रहा है कि अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, जिसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है ना 15 बताया जा रहा है, 15 क्वेश्चन आए थे सीटिंग और अरेंजमेंट और पजल से, सिलॉग से देखिए 4 प्रश्न बने थे ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग से भी 4 प्रश्न बने हैं, नंबर सीरीज से 3 प्रश्न, अल्फाबेट से 1 प्रश्न बना था और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 4 प्रश्न बने हैं ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे इंग्लिश के सेक्शन के देखिए 18 से 22 बताया जा रहा है कि अच्छा अटेम्प्ट रहेगा बच्चों के लिए। देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न बने थे और क्लोज टेस्ट था 7 प्रश्न बना था, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का 6 प्रश्न था और पैराजिम्बल के 5 प्रश्न थे और देखिए फाइंड द करेक्ट सेंटेंस के 6 प्रश्न थे। तो ये टोटल थे आज के टोटल के शिफ्टों में दोनों मिलाकर शिफ्टों में, अभी 2 शिफ्ट बचे हैं तो उसका भी हो सके तो मैं उसका भी एनालिसिस दे दूंगा आपको। तो ये जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप देखते रहिएगा। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उसको मैं पीडीएफ से प्रोवाइड करता हूँ सभी का, पहले नहीं करता था अब करता हूँ, तो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ इजीली डाउनलोड हो जाएगा ठीक है ना, आप एक्सेस करिए मैं उसको रिप्लाई दूंगा और उसको अलाउ भी करूँगा ठीक है ना। तो ये है अब आज के 9 दिसंबर की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स की एग्जाम और मैं आपको एक टू अभी जैसे क्लू दूंगा वो क्लू आप अच्छे से देखिए ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप IBPS क्लर्क एग्जाम एनालिसिस 2018 सेक्शन वाइज एनालिसिस, देखिए 2 सेक्शन के जो पेपर हुए हैं उनमें बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश में कम से कम आपके 18 से 22 प्रश्न जो है ना 22 आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट होंगे, ये अटेम्प्ट आपको मतलब ठीक है ना आपको IBPS के प्रीलिम्स को क्लियर करने में भी मदद करेगा ठीक है ना। ठीक है ये आपके IBPS प्रीलिम्स को भी क्लियर करने में मदद करेगा। देखिए रीजनिंग से देखिए क्या क्वेश्चन बने थे, रीजनिंग की एबिलिटी में 25 से 29 प्रश्न बने थे, बनाना आपके लिए अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा ठीक है ना, ये आपके अच्छे अटेम्प्ट के लिए ही क्वेश्चन बना है। देखिए गुड अटेम्प्ट लिखा गया है तो गुड अटेम्प्ट में से देखिए अच्छा अटेम्प्ट आपका 25 से 29 हो जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये देखिए इसमें आपको 23 से 27 जो है ना वो आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट, तो ये आपका टोटल हो जाएगा, ये 60 मिनट का होता है पेपर ठीक है ना, तो 60 मिनट के पेपर में आपका 70 से 76 क्योंकि बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, मैथ्स जीके जो भी जितने भी है ना जीके नहीं रीजनिंग भी आ रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं और बहुत इजी इंग्लिश भी पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक जो है ना अच्छे से टॉपिक ये तीनों का जो मैंने बताया अभी वो कवर कर लीजिए, मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा आप वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको चेक करते रहिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।